नमस्कार सर, आज कल MTNL BSNL वालों का जो व्यापक धरना प्रदर्शन हुआ जहां पर देश के विभिन्न राज्यों से लोग आए, क्या कुछ प्रमुख मांगी थी आपकी? कुछ मांग नहीं है हमारी, हमारी डिमांड नहीं है, हमारा एक लेजिटिमेट राइट है। हमको कैबिनेट डिसीजन ने एश्योरेंस दी थी 2000 में जब DOT कॉर्पोरेटाइज हुआ, हम DOT के एम्प्लॉयज थे, हमको बोला आप लोग BSNL MTNL में एब्जॉर्ब हो जाओ, तो हम एब्जॉर्ब हो गए। कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की तरह पेंशन दिया जाएगा, आपको गवर्नमेंट पेंशन देगा, गवर्नमेंट आपका पेंशन रिवाइज करेगा। उसके लिए रूल्स बन गए, रूल 37A। हमारा पेंशन रिवीजन हुआ 2011 तक, अब हमारा 2017 से जो पेंशन रिवीजन होना है वो नहीं हो रहा है। डिमांड और राइट में बहुत फर्क होता है। डिमांड होगी जो हमने फ्रेश कोई डिमांड प्रोजेक्ट किया है, ये हमारा लेजिटिमेट राइट है जो यूनियन कैबिनेट आदरणीय वाजपेयी जी थे उस टाइम प्रधानमंत्री, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कैबिनेट ने कि जो भी DOT से एब्जॉर्ब हो जाएंगे BSNL MTNL में, उनका पेंशन सरकार देगा, उनका पेंशन रिवीजन भी सरकार करेगी। आपको नहीं मिल रही 2017 से नहीं मिला, उसी के लिए। आप लोगों की टोटल संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 5 लाख अबाउट कंट्री। अभी कितने लोग यहाँ पर आए हुए? अभी कम से कम 1500 लोग, का केरला से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अरे 2017 से लेके 2023 चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है। इतने दिनों तक आप कहाँ थे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग संघर्ष करते, खैर हमारा संघर्ष अभी तो प्रपोजल तो चल रहा है वहाँ, कहाँ DOT में, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में प्रपोजल चल रहा है। तो देखो इसको फाइनल स्टेप, ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ये होती है, आपको पता ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, तो सेक्रेटरी के पास फाइल है पिछले 4 महीने से। अभी आपके इस प्रोटेस्ट स्पोर्ट पर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद? हम मंत्री जी को 2 बार मिले हैं, हम कंटिन्यूस टच है DOT के आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या सांत्वना? हमने 2 बार उन्होंने क्लियर कर आश्वासन दे दिया कि आपका प्रोसेस हो रहा है, हम इसको बहुत जल्दी कर देंगे। अभी एक रूल बना देना और उसके बाद, रूल बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना है, वही चीज में कह रही हूँ, एक रूल बना देना और उसको इम्प्लीमेंट ना करना, इसके वजह से कितना ये दो चीजें है। एक रूल नया बनाना डिमांड के लिए, पर एक रूल बना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपकी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से लाखों श्रोता सुन रहे हैं, MTNL BSNL वाले भी परिवार के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? नहीं, हम अपने संघर्ष तो हम इंटेंसिफाई करेंगे, ये हमारा लेजिटिमेट राइट है, जब तक हमारा राइट नहीं मिलेगा हम संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। लोगों के लिए मैसेज कोई आपका? उनका मैसेज ये है कि हमारा कंट्री वाइड प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होगा, अभी हम प्रोग्राम दोबारा चेकआउट कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? पद के मेरा नाम गिरधारी लाल जोगी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ संचार निगम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। सर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मिहिर दास गुप्ता। व्हाई आर यू कमिंग हियर? आई एम कमिंग हियर टू प्रेस फॉर आवर लेजिटिमेट राइट टू फॉर पेंशन रिविजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2017 more than 6.5 years earlier. First of all, I would like to know about your association. What is what's the work? We belong to All India BSNL DOT Pensioners Association, AIBDPA, which is the largest pensioners association, and its general secretary is Comrade KG Jairaj. And here we organize this program along with other 7 pensioners organizations of BSNL and MTNL. How many people belongs to be your protest? How many people? All India. All over India. I think taking into consideration all the 8 organizations,
it is more than 1 lakh members. Okay, now our news channel viewers is listen to you and your concept we are understanding. So what is your message to be your BSNL and MTNL pensioners? What is your message? Our message is that we have organized this program very successfully, and we request them to remain united and participate in all the struggles, and we hope that in the path of this movement and struggle we will be able to achieve our demand. Thank you, sir. Ram Ram. MTNL BSNL के जो पेंशनर्स से परेशान व्यक्ति हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आ चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी जो तेलुगु के हैं, राम सिद्धू जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं सर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो परेशान थे, जिनके पेंशन समय पर नहीं आ रहे, उन लोगों ने व्यापक धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए हमारा 2007 से पेंशन रिविजन करा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद 2017 से हमें ड्यू है, अभी तक भी पेंशन रिविजन नहीं हुआ। एक्चुअली बीएसएनएल फॉर्मेशन के टाइम पे ये जरूर पेंशन रिविजन रहेगा, पेंशन भी देंगे बोल के हमारे को प्रॉमिस करे और अग्रीमेंट करे। तेलुगु में अलुबाबाद से आए हैं आप लोग, वहाँ पर कितने लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, कितनी संख्या है आप लोगों की वहाँ पर? हजारों में रहते हैं। हजारों में है। अब क्या आपने उसको लेकर कभी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी शिकायत दी कि इस तरीके से सेंट्रल? हाँ हाँ, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उसके बाद हमारा बीएसएनएल फॉर्मेशन होने के बाद हमारा ऑब्जर्व करे 3 लाख लोगों को बीएसएनएल में ला ली। रूल्स बने हुए हैं, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। 2017 से पहले वो चीजें सभी को मिल रही थी, 2017 से अचानक बंद कर दिया जाता है। इतना बड़ा जो शोषण हो रहा है, इसका जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हो? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट उन्हें 5 साल करता पेंशन लेगा जी, और जो अग्निपथ के नाम पे जो बॉर्डर में काम करता रक्षक वाले जो आर्मी, वो लोगों को पेंशन नहीं है। इतना अन्याय है, देखो आप ये तो पीएम को पेंशन है, सिपाही की पेंशन नहीं है हमारे देश में जी। इसी वास्ते दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को पेंशन रिविजन हुआ, बीएसएनएल वालों को नहीं हुआ अभी तक। तो जो वो लोग फॉर्मेशन टाइम पे प्रॉमिस करे थे, वो प्रॉमिस पूरा ये कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट पूरा वर्कर्स के लिए नहीं, खाली अंबानी अदानी लोग को ये करने के लिए। हमारा डीए कोरोना टाइम पे हर आदमी का बहुत लॉस हो गया जी, बहुत सारे लोग मर गए जी, मगर ये जो मोदी गवर्नमेंट है डीए भी फ्रीज कर लिया जी। अब मैसेज क्या रहेगा आपके, जो व्यक्ति देख रहे हैं, आप लीडर हैं, आप आपके कार्यकर्ता आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? क्या कुछ मैसेज क्या है? 170 MPs also represented, we have met MPs also, 170 MPs लोगों को पार्लियामेंट में रेस करो बोल के रखे थे, वो लोग भी रेस करे, मगर गवर्नमेंट तो नहीं मान रहा जी। वो पूरा इंटरेस्ट उनका ये है, अंबानी आधारी लोगों को वर्ल्ड में नंबर 1 रिचेस्ट पीपल को बनाना चाहते हैं, वो है। एक्चुअली मेरा लास्ट में ये है, पेंशन रिविजन और डीए जो फ्रीज कर दिया गया, वो डीए भी पेमेंट होना और पेंशन रिविजन भी होना जब तक कम्प्लीट 2017। मीडिया वाले को सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। 2017 से पहले जितने भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के पेंशनर्स थे, उनको सुविधाएं जो पेंशन्स है टाइमली मिल रही, 2017 के बाद उसको रोक दिया गया है, जिससे हजारों परिवारों को झटका लगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट था आपका, व्यापक धरना प्रदर्शन का आपने आयोजन किया था आप लोगों ने, क्या कुछ? पहला आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। 2017 से पे रिविजन होना था, पेंशन रिविजन होना था, यही सरकार थे बीजेपी सरकार, उससे पहले मिलते थे, इन्हों देने के लिए तैयार नहीं। उसी के लिए कल हम छोटा छोटा संघर्ष करे, लंच आउट डेमोन्स्ट्रेशन,
स्ट्राइक, हमने तीन स्टेज का प्रॉब्लम किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सर्कल लेवल, ऑल इंडिया लेवल। एक्चुअली हम 5 दिन का डिमांड किए थे, पूछे थे, रिक्वेस्ट किए थे, हमको ओनली 1 दिन का धरना का परमिशन दिए। अश्विनी जी, जो मंत्री जी हैं, उनके पास भी आप लोगों की टीम गई और वहां पर अपनी परेशानियों को रखा, कुछ आश्वासन वहां से आप लोगों को मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिले, ये लोग देना नहीं चाहते, हमारा एक ही BSNL नहीं, किसका भी नहीं देते और देश का भला नहीं करना चाहते हैं। BSNL जैसे प्रतिष्ठित उसके साथ जुड़कर भी अगर आप लोगों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे? देखो, यही कर्मचारी थे, यही मैनेजमेंट थे, यही सरकार थे, BSNL प्रॉफिट में था, वही एम्प्लॉयज है, वही पेंशनर्स है, वही वर्किंग एम्प्लॉयज है, वही सरकार है, अभी लास्ट में है बोलते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट और सरकार, वही जिम्मेदार है, हम कर्मचारी जिम्मेदार नहीं।